स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि एक पेंडुलम बॉब को, जिसका कि मास 50 ग्राम्स है, हमने उसे सस्पेंड कर रखा है एक एलिवेटर की सीलिंग से, और हमें इस पेंडुलम की जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन फाइंड करनी है। अलग अलग केसेस दे रखे हैं हमें, जैसे पहले केस में हमें दे रखा है कि लिफ्ट ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। इस तरह से हमें डिफरेंट केसेस दे रखे हैं। हमें इन सभी केसेस में स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वो फाइंड करनी है। तो हम वन बाय वन सारे केसेस सॉल्व करेंगे। इसका बेसिकली हम FPT बनाकर सारे केसेस सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लोग केस वन से शुरू करते हैं, केस ए से। केस ए में ये जो लिफ्ट है ये ऊपर जा रही है, किसी भी इंस्टेंट पर इस पेंडुलम बॉब पर दो ही फोर्सेस लग रही होंगी। एक होगी टेंशन ऊपर की डायरेक्शन में और दूसरा होगा इसका वेट नीचे की डायरेक्शन में। इसका वेट हम लोग फाइंड कर लेते हैं। इसका जो वेट होगा वो इसका मास इनटू ग्रेविटी होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास 50 ग्राम दे रखा है तो इसकी वैल्यू हमें किलोग्राम में लेनी होगी, और एक्सेलरेशन को हम लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। तो इसका जो वेट है वो एक्चुअल वेट जो है इसका वो 0.49 न्यूटन इतना आ जाएगा। तो हम लोग केस ए जो है वो पहले सॉल्व कर लेते हैं। केस ए में दे रखा है कि लिफ्ट ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो इस केस में जो इक्वेशन बनेगी इसके ऊपर, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो बनेगी टी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्योंकि अपवर्ड फोर्स टेंशन है और डाउनवर्ड फोर्स डब्ल्यू है, इसलिए हमने टी माइनस डब्ल्यू लिखा है। तो टी माइनस वेट की वैल्यू पुट करते हैं 0.49, मास की वैल्यू पुट करते हैं केजी में, ये कितना होगा 0.05 इंटू ए। ए की भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, 0.49 इक्वल टू 0.05 1.2। यहाँ से अगर हम टेंशन फाइंड करेंगे तो जो टेंशन है उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.55 न्यूटन्स इतनी। तो पहले केस में हमारे पास टेंशन की रीडिंग आ गई है 0.55 न्यूटन्स। अब हम केस बी सॉल्व करते हैं। केस बी में हमें दे रखा है कि लिफ्ट ऊपर जा रही है लेकिन रिटार्ड हो रही है, तो उसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव है, माइनस 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो उस केस में जो इक्वेशन बनेगी वो टी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इतनी ही रहेगी, बस अब जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो नेगेटिव आ जाएगी। तो हम लोग सेम सब स्टेप्स लिखते हैं, मास 0.05, अब एक्सेलरेशन माइनस 1.2 इतना आ जाएगा। यहाँ से जब हम टेंशन फाइंड करेंगे तो जो टेंशन की वैल्यू है वो 0.43 न्यूटन्स इतना आ जाएगी। उसी तरह से जब हम केस सी सॉल्व करेंगे, केस सी में ऐसा दे रखा है कि लिफ्ट ऊपर जा रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, मतलब इसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो है। एक्सेलरेशन ज़ीरो होने का मतलब ये हुआ कि टेंशन किसी भी इंस्टेंट पर वेट के इक्वल होगा। तो टी इक्वल टू वेट, यानी कि इसका जो वेट है वो 0.49 न्यूटन्स है, तो टेंशन की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। फिर हम केस डी देख लेते हैं। अब केस डी में लिफ्ट जो है वो नीचे जा रही है इतनी एक्सेलरेशन से। तो केस डी के लिए एक बार हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अब लिफ्ट नीचे आ रही है, एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इस केस में भी इसके ऊपर दो ही फोर्सेस लग रही होंगी, टी और नीचे लग रहा होगा इसका वेट। अब जो इक्वेशन आएगी उसमें, क्योंकि जो लिफ्ट है वो नीचे जा रही है, पेंडुलम का जो नेट एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए नेट फोर्स हो जाएगी डब्ल्यू माइनस टी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर डब्ल्यू की वैल्यू पुट करिए 0.49 माइनस टेंशन, और इसका जो मास है वो 0.05 और एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में 1.2। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.43 न्यूटन्स। उसी तरह से केस ई अब हम सॉल्व कर लेते हैं। केस ई में हमें दे रखा है कि लिफ्ट नीचे जा रही है इतनी डेसेलरेशन से, यानी कि अब जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी। तो इक्वेशन सेम ही रहेगी, डब्ल्यू माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 0.49 माइनस टी इज इक्वल टू 0.05, ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। यहाँ से अब जब हम टेंशन फाइंड करेंगे तो टेंशन 0.55 न्यूटन के बराबर आएगी। ये हो गया केस ई।
अब लास्ट केस देख लेते हैं, केस एफ। इसमें लिफ्ट नीचे जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से। क्योंकि लिफ्ट नीचे जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब इस केस में एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। तो बिल्कुल केस सी की तरह अब इसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो है, यानी कि टेंशन किसी भी इंस्टेंट पर उसके वेट के बराबर होगी, यानी कि इसका जो आंसर है वो आएगा 0.49 न्यूटन। तो हमारे पास सिक्स केसेस का आंसर आ गया है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन कैसे करना है। आपको फर्दर कोई भी डाउट हो एच सी वर्मा के किसी भी चैप्टर में, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। उसका वीडियो उसी दिन या फिर उसके अगले दिन तक अपलोड हो जाएगा। थैंक यू।